हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पर। जितने भी लोग ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आने वाले टाइम में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनको पता है कि अभी तक हम FCI मेंस की तैयारी करा रहे थे, और आज ही शाम में हमारे पास SBI क्लर्क मेन प्री का रिज़ल्ट आ चुका है। SBI क्लर्क प्री का रिज़ल्ट हमारे पास में आज ही शाम को आया है। तो अब हमारी जो अगली स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम FCI के साथ साथ SBI वाले जो बच्चे हैं उन पर भी फोकस करें। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो SBI क्लर्क मेंस के लिए होगा। जो बच्चों ने प्री क्वालिफाई कर लिया है उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। पर अभी आपकी सक्सेस अधूरी है, अभी आपकी सक्सेस पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपके पास में एक मेन एग्ज़ाम बचा हुआ है। अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया देन आफ्टर आपको और कोई भी पेपर या एग्ज़ाम फेज नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि क्लरिकल के पेपर में कभी भी इंटरव्यू अब से पिछले 2 साल से बंद हो चुका है, तो इंटरव्यू हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि SBI क्लरिकल प्री जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनके लिए ही हम एडवांस कोर्स लेके आए हैं मेंस का। 15 डेज क्रैश कोर्स हम उनके लिए यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जो अभी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो टीम है आप उन्हें चेक कर सकते हैं। अभी भी जो हमारे पास FCI मेंस के लिए तैयारी चल रही थी, जैसा कि कई बच्चों को पता है, और अगर नहीं पता तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि FCI मेंस भी इस बार IBPS कंडक्ट करा रहा है। तो काफ़ी हद तक उसका जो पेपर आने वाला है वो कुछ कुछ बैंकिंग एग्जामिनेशन जैसा ही आने वाला है। तो अभी जो FCI मेंस की तैयारी चल रही है वो IBPS के अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि SBI क्लरिकल मेंस में देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि मैं कौन हूं और किस बेसिस पे आपसे इस सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा नाम है हिमांशु उपाध्याय और मैं रीजनिंग फैकल्टी हूं, साथ ही साथ मैं यहां पे कंप्यूटर की क्लासेस भी ले रहा हूं FCI मेंस के लिए। मैं ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं वर्किंग हूं इस समय प्रेजेंटली। और आपको एक और बात बता दूं कि जब भी आप कोई पेपर क्वालिफाई करने के लिए बैठते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी स्पीड। आपको स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है, लेकिन वो जो स्पीड मेंटेन रखने वाला जो पोर्शन था वो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं। स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्री एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। अब आपको स्पीड से नहीं खेलना है, अब जो खेलने की चीज़ें आने वाली हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं हमारे पास में मेंस एग्जामिनेशन में, आपकी एक्यूरेसी, कि आप किस एक्यूरेसी के साथ पेपर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करने वाली है। आपको टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ेगी। मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बताऊँगा कि टाइम की आपको बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ने वाली है। टाइम जो होने वाला है वो आपके पास में बहुत ही सफिशिएंट होने वाला है, टाइम की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। और यदि आपके ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो इजीली आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। जितने भी बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया है उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि वो ये ना समझें कि इसी पैटर्न पे मेंस आएगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक आपकी स्पीड टेस्ट की जा रही थी, अब आपकी एक्यूरेसी टेस्ट की जाएगी। मीन्स अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, टाइम भी सफिशिएंट होगा, बट अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो फोकस करेंगे इन 15 दिनों में, बचे हुए 15 डेज में हमारा फोकस होगा कि आपको कुछ इस लेवल के क्वेश्चन कराए जाएं जो कि आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। तो मेंस के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इन 15 दिनों में।
हमारे अकॉर्डिंग हमारा मानना यह है कि अगर आप लोग प्री क्वालिफाई करके आए हो तो काफ़ी हद तक आप लोगों को कंसेप्ट्स के बारे में पता होगा। फिर भी कुछ नए कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें सीखना है, उन कंसेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन 15 दिन में हम पेपर सेट सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के भी और कुछ सेट्स हम अपनी तरफ से तैयार करेंगे वो क्वेश्चंस के भी। ठीक है, तो अभी जो प्री का रिजल्ट आया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने आपको बता दिया होगा ऑलरेडी कि ये कट ऑफ गई है, तो मैं उस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि आपके प्री के मार्क्स बिल्कुल भी ऐड नहीं होने वाले हैं आपके मेंस के अंदर। तो जो रिजल्ट आ गया बहुत अच्छा है, यदि आप 0.25 से भी ऊपर हैं तो भी बहुत अच्छा है, और यदि आपके 15 नंबर भी ऊपर हैं तो भी बहुत अच्छा है। दोनों ही बच्चे अब सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर किसी बच्चे के किसी ने राजस्थान से फॉर्म फिल किया था, राजस्थान की कट ऑफ गई है 71 मार्क्स, और किसी बच्चे के यदि यहाँ पे 71.5 मार्क्स भी आए हैं और किसी दूसरे बच्चे के यहाँ 80 मार्क्स भी आए हैं, तो अब ये दोनों सेम इक्विवेलेंट लेवल पे खड़े हुए हैं। अब इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंस करेगी इनकी एक्यूरेसी, इनकी टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी और इनके कंसेप्ट्स। ठीक है, जिस जो इन चीज़ों में हाथ मार जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि अभी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस समय, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं, टोटल वैकेंसी के, अगर सपोज आपके पास टोटल वैकेंसी एक्स हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में दे रहा हूँ, तो टोटल वैकेंसी यदि एक्स है आपके पास में, तो अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ बच्चे वाई बैठे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, वाई बच्चों का केवल 10% बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिए कि आपके पास में 10 गुना बच्चे आए हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर 10 है तो आपके पास एक्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो बैठेंगे वो 10x बैठने वाले हैं। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत कम हो चुका है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था, लेकिन ये जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे बच्चे एक अच्छे लेवल के पेपर को फेस करके आए हैं, इसका मतलब सबके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। तो हमें अच्छे लोगों से ही कंपटीशन करना है, तो हमारी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आपके पास रहेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा SBI क्लरिकल मेंस के एग्जाम के अंदर। तो ये ध्यान रखिए, जो SBI क्लरिकल मेंस एग्जाम का पैटर्न होगा उसमें टोटल 4 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। जो टोटल 4 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, उसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप बिल्कुल भी कि इंग्लिश भी यहाँ पे होगी, क्वांट भी यहाँ पे होगी, रीजनिंग कंप्यूटर भी यहाँ पे होगी, और एक एडिशनल सब्जेक्ट जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा सिलेक्शन के और रिजेक्शन के बीच में, दैट इज करंट अफेयर फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि आपका GA बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक जितने भी पेपर हो रहे थे पिछले 1 साल तक, उसमें केवल 3 महीने का सिलेबस आ रहा था करंट अफेयर का, लेकिन अब उसको बढ़ा के इन्होंने 6 मंथ्स का कर दिया है। तो अब जो भी आप कंटेंट पढ़ेंगे करंट अफेयर का, वो आप 6 मंथ्स का पढ़ेंगे, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, इसका मतलब यदि आपका पेपर अगस्त में हो रहा है, तो जनवरी से लेकर के जुलाई तक का पूरा की पूरा करंट अफेयर आपको मुंह जबानी याद होना जरूरी है, अदरवाइज पेपर के अंदर मार्क्स कंटेन नहीं कर पाओगे। बैंकिंग अवेयरनेस भी आएगी, लेकिन क्योंकि ये क्लरिकल का एग्जाम है इसलिए यहाँ वो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस कम पूछेगा। उसका मेन फोकस यहाँ पे आपके पास में किसके ऊपर होगा, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स के ऊपर होगा, और दूसरा आपके पास स्टैटिक अफेयर्स के ऊपर होगा, वो जो कि स्टैटिक है, जैसे कि कंट्री, कैपिटल, ठीक है, उसके अलावा करेंसी, ठीक है, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें। तो बेसिक इनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो इन्हीं को लेकर के होगा। बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल के होंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि उनको भी हम कवर करा सकें। तो यहाँ बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इन सेक्शंस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। इंग्लिश के अंदर अब आपके पास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कर लें। उसके लिए चाहे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े डेली बेसिस पे, या मूवी देखनी पड़े, या सॉन्ग सुनने पड़े इंग्लिश के, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करें अपना। ठीक है, क्योंकि 35 मिनट बहुत सफिशियंट टाइम है आपके पास 40 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मैं क्या कर पा रहा हूँ और क्या नहीं कर पा रहा।
क्वांट के अंदर ये ध्यान रखिए, एसबीआई का पेपर है तो उनका मेन फोकस जो होने वाला है वो डीआई के ऊपर होने वाला है, प्लस डाटा सफिशिएंसी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में जो वर्ड प्रॉब्लम आती हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांट भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मार्किंग के बेसिस पे देखा जाए तो रीजनिंग और कंप्यूटर का ये जो कंप्लीट सेक्शन है इसके 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो तो अब यहाँ पे पजल और सिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इन्हीं दो चीज़ों पर करना है, बाकी चीज़ें बाद में, सबसे पहले पजल और सिटिंग, ठीक है, जिसके हम सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे 15 दिन के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं आपको बता चुका हूँ, तो अपने आप को मोटिवेट कर लीजिए कैसे भी करके। अगर अभी तक आप डीमोटिवेटेड थे, अगर आपने प्री का एग्जामिनेशन निकाल लिया है एसबीआई क्लरिकल का, मीन्स आप छोटी चीज़ नहीं हैं, आप अपने आप को हल्के में नहीं ले सकते, आप काफ़ी स्ट्रांग हैं और आपके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे हैं, बस अपने आप को ब्रशअप करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि अगर मैं प्री एग्जामिनेशन निकाल सकता हूँ तो मैं मेंस का एग्जामिनेशन भी 101% निकाल सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता उसमें, ठीक है। बस जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करते होंगे, ज़्यादातर बच्चे जिनके अच्छे हैं उनकी बहुत अच्छी बात है, जो दिक्कत करते होंगे जैसा कि मुझे लगता है, वो सबसे पहले आता है इंग्लिश और द सेकेंड वन इज़ जनरल अवेयरनेस। ज़्यादा से ज़्यादा या तो ये कॉम्बिनेशन बच्चों का क्रिएट होता है या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बच्चों का क्रिएट होता है, मैथ्स प्लस रीजनिंग का, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशन वाले बच्चे होते हैं जिनका या तो इंग्लिश और जीए कमजोर होता है या एक दूसरा कॉम्बिनेशन होता है जिनका मैथ्स और रीजनिंग कमजोर होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जो चीज कमजोर है उसे ऊपर उठाओ, जो अच्छी है उसकी प्रैक्टिस करके उसे और ऊपर ले जाओ, ताकि वो आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में आपकी मदद कर सके। यहां तक बात अगर आपको क्लियर है तो मेरे हिसाब से 15 दिनों में आप इजीली पेपर को क्रैक कर सकते हो। और अगर आपने एक बार पेपर क्रैक कर लिया तो उसके बाद आगे कोई प्रोसेस नहीं है, आप इजीली सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात को बताएंगे कि हमारे चैनल पे 15 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस लेक्चर को बनाने का मेन मोटो यही था, ठीक है। हम खुद सेलेक्टेड हैं इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पे अच्छे से आपको बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि आज से लेकर के 10 तारीख तक आपका जो मेंस का एग्जाम होने वाला है वो 10 अगस्त के आसपास है, तो आप आज से लेकर के आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है कि आप पेपर को क्रैक करें, तो आज से ही शुरू कर दीजिए तैयारी और हम आपके साथ हर कदम पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा उतने ही ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके पास लगी हुई बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आए हाथों हाथ आप उनको ओपन करके वो वीडियोस चेक कर सकें। थैंक यू सो मच, और वंस अगेन उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका प्री एग्जामिनेशन निकल चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।